वेलकम बैक टू माई चैनल वेल ट्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको एक नो फाउंडेशन मेकअप लुक जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप मिनिमम प्रोडक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। ये जो लुक है ये स्पेशली कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स है या फिर जो वर्किंग वुमेन्स है जिनको कि हैवी मेकअप करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, एंड वैसे भी कॉलेज में या फिर वर्किंग प्लेस में हैवी मेकअप करना भी नहीं चाहिए, तो नॉमिनल प्रोडक्ट्स के थ्रू ये जो मेकअप लुक है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपके जो स्किन है वो हेल्दी होनी चाहिए, वो एक्ने प्रोन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके चेहरे में कहीं बहुत जगह पर ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, एक्ने के निशान है, कहीं पर कुछ पैचेस है या फिर कई तरह के जो स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपके चेहरे पर है। अगर आपका चेहरा इस टाइप का है तो फिर ये जो नो मेकअप जो लुक होता है, जो नो फाउंडेशन जो मेकअप लुक होता है वो आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग मेकअप क्यों करते हैं? हम लोग मेकअप इसलिए करते हैं ताकि हमारे चेहरे में जो भी दाग धब्बे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हाइड कर पाए। तो ये जो लुक है ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके चेहरे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपकी स्किन हेल्दी है, बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं है और हल्के फुल्के टैनिंग की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स है, तो आप ये जो मेकअप लुक है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देखिए मेरा जो चेहरा है वो आपको बहुत ज्यादा, मैंने इसमें मेकअप नहीं किया है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं फ्रेंड्स कि आज से 2 या 3 इयर्स बिफोर जब मेरी डिलीवरी हुई थी बेबी की, उसके बाद मेरा चेहरा बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था। गंदा मीन्स मुझे नॉर्मली क्या होता है कि डिलीवरी के बाद चेहरे को जो स्किन केयर जो रूटीन होता है वो हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम अपने लिए थोड़ा जो टाइम है वो निकाल पाए। तो धीरे धीरे करके अगर आप एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं, चाहे वो डेली वाला हो या फिर वीकली में 2 बार करने वाला हो, तो अगर आप प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो आपके चेहरे में जो भी प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं जाकर स्टॉप हो जाएगी और आपका चेहरा हेल्दी चेहरा बन जाएगा। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा जो स्किन केयर रूटीन है वो भी मैंने फॉलो किया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया है। अब मैं आइस क्यूब के थ्रू अपने पूरे चेहरे पर 2 मिनट के लिए मसाज करूंगी सर्कुलर मोशन में। मैंने आइस क्यूब में खाली पानी एंड गुलाब जल जो है वही मैंने ऐड किया है। ये काफ़ी अच्छा स्किन केयर रूटीन होता है जो कि हमें स्पेशली समर्स में एंड अगर हमारा जो एटमोसफियर है वो ह्यूमिडिटी वाला है तब हमें डेली करना चाहिए। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और ये लार्ज पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब ये देखिए स्किन केयर रूटीन जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपने चेहरे पर फेशियल ऑयल लगाऊंगी। इसमें एलमंड है जो कि काफी अच्छा होता है स्किन के लिए। ऑयल को मैं अपने स्किन में अच्छे से एब्सॉर्ब होने दूंगी। अब इसके बाद अगर आप चाहे तो जो मॉइस्चराइजर क्रीम होता है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने ये जो स्टेप है वो मैंने नहीं किया है। अब मुझे क्या करना है, खाली मैं जो कंसीलर है वो मैं अप्लाई अपने चेहरे पर अप्लाई करूँगी, खाली उन एरिया पर अप्लाई करूँगी जहाँ पर काले घेरे हैं और हल्के फुल्के पैचेस है या फिर एक्ने के थोड़े बहुत स्कार्फ है, उन जगह पर मैं जो कंसीलर है वो मैं अप्लाई करूँगी एंड ओनली मैं फिंगर की मदद से डैबिंग मोशन में इसको ब्लेंड कर दूँगी। चलिए अब मेरा जो चेहरा है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। अब मुझे आईब्रोज को शेप देना है। आईब्रोज को शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन लिए हैं। अगर आप चाहें तो जो आपके पास आई शेडो पैलेट है उसमें से ब्राउन कलर का शेड भी आप पिक कर सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर फिफ्थ ब्यूटी का आईब्रो शेपिंग पैलेट लिया है जिसके थ्रू मैंने अपने आईब्रोज को शेप दे दिया है। अब मैं यहाँ पर एक स्किन कलर का आई शेडो मैंने पिक किया है जो कि मैं अपने आईलिड के ऊपर और नीचे में अप्लाई करूँगी ताकि मेरे जो आईलिड है वो थोड़े बहुत शेप में आ जाए। देन मैंने कॉम्पैक्ट मैंने अप्लाई किया है हल्का हल्का ब्रश की मदद से। आईलैशेस को मैंने थोड़ा सा कर्ल कर लिया था ताकि आईलैशेस अच्छे से कर्ल हो जाए एंड देन मैंने यहाँ पर मस्कारा अप्लाई किया है। ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है। ये देखिए मैं दोनों आँखों के आईलैशेस का डिफरेंस देखिए और ये मेरा जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप करना है। मैंने यहाँ पर लैक्मे का 9 to 5 जो लिप कलर है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये काफ़ी डार्क कलर में है तो इसको हल्का सा लाइट करने के लिए मैंने फिंगर की मदद से जो एक्सेस जो लिप कलर है वो मैंने ले लिया है और उन दोनों को मैंने चिक्स पर अप्लाई कर लिया है और जो कि मेरे ब्लश का काम करेगा। और ये देखिए मैंने ब्लश में अप्लाई कर लिया है सेम लिप कलर के थ्रू। काफ़ी नॉर्मल मेकअप लुक है जो कि आप डेली वेयर में या फिर अगर आप मार्केट जा रही है तब भी आप ये जो लुक है वो आप क्रिएट कर सकती है। अब सेम जो लिप कलर है उसके थ्रू मैं क्या करूँगी, वो लिप कलर मैं अपने आईलिड पर अप्लाई करूँगी एंड फिंगर की मदद से मैं ब्लेंड करूँगी ताकि मेरा जो आईलिड है वो हल्का सा जो रेडिश लुक है वो आ जाए। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास
पिंक कलर का लिक्विड लिप कलर है, तो वो उसके थ्रू भी आप ये जो मेकअप लुक है वो आप अप्लाई कर क्रिएट कर सकती है। एंड सेम लिप कलर मैंने अपने थोड़े से मैंने नाक में अप्लाई किया था ताकि मेरा नाक का एरिया भी थोड़ा सा रेडिश हो जाए। और मैंने आखिरी स्टेप में मैं हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है, आप हाईलाइटर अप्लाई कर भी सकते हैं या फिर नहीं। और ये देखिए मेरा जो लुक है वो कम्प्लीट हो गया है। तो मेरा नौ फाउंडेशन मेकअप लुक जो है नॉमिनल प्रोडक्ट्स के थ्रू वो कंप्लीट हो गया है। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। रेड लिक्विड लिप कलर के जगह पर आप पिंक कलर का जो लिप कलर है लिक्विड में वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी काफ़ी अच्छा जो लुक है वो क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का मेकअप वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।